तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताऊं कि आप जो ना टिकटॉक की फॉलो बैक की जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसको आप जो ना कैसे ठीक करोगे। और दोस्तों एक स्क्रीन पर सामने आपको एक और प्रॉब्लम भी दिख रही है, यू आर फॉलोइंग टू फास्ट। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करोगे? तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने करना क्या है कि सिंपली आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको फुल डिटेल से मैं समझा सकूं कि यार आपने क्या क्या करना है। और दोस्तों अगर आप काट काट के वीडियो देखोगे तो यार आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझा देता हूं कि यार ये जो आपको फॉलो बैक की जो प्रॉब्लम है ये आती क्यों है। तो दोस्तों इनके टिकटॉक की एक पॉलिसी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो कि यार उसकी पॉलिसी के खिलाफ जाते हो तो उसकी वजह से आपको फॉलो बैक की जो प्रॉब्लम है फिर आती है। दोस्तों इनकी पॉलिसी ये है कि आप जो ना 1 से 2 घंटे में आप जो ना 300 फॉलो कर सकते हो और 300 मरतबा आप फॉलो कर सकते हो, 300 मरतबा लाइक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो दोस्तों फिर आपको जो ना फॉलो बैक की प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों फॉलो बैक से आपको बता दूं, फॉलो बैक से थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि फॉलो बैक का प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों आप किसी को भी फॉलो करते हो तो वो 1 से 2 मिनट में अनफॉलो हो जाता है, आप किसी को भी लाइक करते हो तो दोस्तों 1 से 2 मिनट में वो डिसलाइक हो जाता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं फॉलो बैक की प्रॉब्लम, ठीक है। दोस्तों अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपने वो करना और आपकी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने ये करना है कि आपने 1 से 2 दिन जो है ना अपने जो है ना टिकटॉक की आईडी को नहीं चलाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने जो है ना अपनी जो टिकटॉक की आईडी है उसको लॉग आउट करके उसको अनइंस्टॉल कर देना है 1 हफ्ते तक। तो दोस्तों इस तरह ये 2 चीज़ें आपने करनी है। तीसरी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि आपने रिपोर्ट फीडबैक आपने करना है, मतलब आपने एक रिपोर्ट करनी है, ठीक है, टिकटॉक वाली टीम को, ठीक है। वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं लेके जाता हूँ, ठीक है, इनके टिकटॉक का जो पेज है ऑफिशियल उसके ऊपर आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं गूगल क्रोम मैंने अपना ओपन कर लिया, ठीक है, आपने भी कर लेना, ठीक है। आपने अब एक क्या करना है कि 2 चीज़ें आपको मैंने बता दी कि पहला आपने क्या करना है 1 से 2 दिन अपने टिकटॉक को नहीं चलाना है, और दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया कि आपने जो ना अपनी टिकटॉक की जो आईडी है उसको लॉग आउट कर देना, ठीक है, लॉग आउट करके उसे अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है, और आपने जो ना उसको 1 हफ्ते तक चलाना नहीं है। और उसके बाद आपने तीसरी चीज़ क्या करनी है कि आपने जो ना टिकटॉक वालों को रिपोर्ट ए द प्रॉब्लम पे रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो रिपोर्ट कैसे करनी है, सिंपली आपने जो ना सर्च में लिखना है टिकटॉक रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा रिपोर्ट ए द प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसके ऊपर आपने जो ना क्लिक करना है, दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ आपने जो ना सेलेक्ट टॉपिक आपने करना है कि यार आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है रिपोर्ट ए बग फ्यूचर रिक्वेस्ट, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी, कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, कैटेगरी आ चुकी है, इसके ऊपर आपने फिर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, रिपोर्ट ए बग पे आपने क्लिक करना है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, नीचे आपने ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस आपने यहाँ डालना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने जो ना यूज़र नेम आप यहाँ दे सकते हो, यूज़र नेम में आपने जो है ना टिकटॉक का जो अकाउंट है उसका जो यूज़र नेम है वो आपने डालना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ आपने जो ना अपनी डिटेल डालनी है, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ठीक है, वो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वो सिर्फ आपने ऐसा करना है, बस सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ आपने जो ना डिटेल्स के अंदर जो ना पेस्ट कर देना है, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ आप अपलोड में आपने जो ना 10 स्क्रीनशॉट डालने हैं जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो अपलोड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने 10 पिक्चरें डालनी है, ठीक है, जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है, उसकी 10 पिक्चरें डाल के अपलोड कर देना है, ठीक है। आपने मतलब सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, सिंपली आपने जो है ना दो टिक आप यहाँ देख सकते हो, इन दोनों के ऊपर टिक करना है, ठीक है।
दोनों के ऊपर आपने टिक मार्क करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो ना आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने एडिशनल डिटेल में आप यहाँ देख सकते हो, मैंने डोनर डिटेल डाल दी है, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करके डाल दिए। तो दोस्तों आपने यहाँ क्या करना है, ये जो नेम, योर नेम लिखा हुआ है, इसको आपने काट के आपने क्या लिखना है, अपना नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ जलाल लिख देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ जलाल लिख दिया, ठीक है। और उसके अलावा आपको बता दूँ, जो आपका टिकटॉक पर नाम है, ठीक है, वही नाम आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ सारा मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। यहाँ आप देख सकते हो, डियर टिकटॉक टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू विल, आई वोंट यू लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन एंड इशू आई एम करंटली फेसिंग विथ माई टिकटॉक अकाउंट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ऑल योर कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड माई कॉन्टेंट कंपल। तो आपने सारी डिटेल देख लेनी है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं पढ़ के बताता रहूँगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपने कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट करनी है और अपना नाम लिख देना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ आपको बता दूँ कि यहाँ 10 पिक्चरों की जगह मैं 2 पिक्चरें सेलेक्ट कर लेता हूँ या 1 पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपली आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों मैंने 1 पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही सबमिट करोगे तो दोस्तों एक ये एक पिक्चर आएगी जिसको आपने जो है ना ऐसे वो कर देना, ठीक है, इसको सेंटर बना देना, ठीक है। तो एक मिनट 2 मिनट वेट कर लेना, ठीक है। ये जो है ना आपने इसको सेंटर बना देना, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको सेंटर बना देता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर है, ठीक है, आपने इसको जो ना बिल्कुल सेंटर बना देता हूँ। ये वेरिफिकेशन आपकी हो जाएगी और जो आपकी रिक्वेस्ट है वो भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, रिक्वेस्ट सबमिटेड, थैंक्स यू फॉर कॉन्टैक्ट टू टिकटॉक, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आपने जो ना रिपोर्ट करनी है, ठीक है, और जो आपकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, फॉलो बैक वाली, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और जो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको मैंने बताई है, ये 3 चीज़ें आपने करनी है। और दोस्तों फिर भी कुछ समझ ना आए, ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।